हेलो फ्रेंड, मैं हूँ जॉनसन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड के साइंस फिक्शन हॉरर मूवी नो वन गेट्स आउट अलाइव। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में कुछ पुराने वीडियो क्लिप को दिखाया जाता है जिसमें खुदाई के दौरान कई सारे अवशेष और एक बॉक्स मिलता है। इसके साथ ही वह वीडियो क्लिप खत्म हो जाती है। दूसरे सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो घर में अकेली होती है और उसके घर में वही बॉक्स और अवशेष मिलते हैं जो खुदाई के दौरान मिले थे। अचानक वह बॉक्स हिलने लगता है। जब वह उस बॉक्स को देखने के लिए जाती है तो कोई काली परछाई उसे अंधेरे कमरे में ले जाती है और लड़की की चीख के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एम्बर नाम की लड़की काम के सिलसिले में शहर आती है। उसे सिलाई कारखाने में काम मिल जाता है और वह रहने के लिए वहीं जाती है जहां बॉक्स रखा गया था। जब वह अगली सुबह काम पे जाती है तो उसका बॉस जो खड़ूस टाइप का था वह उसे खूब डांटता है। जब वह घर वापस जाती है तो वह देखती है कि उसके दरवाजे पर किसी चीज़ ने खरोंच मारा है। इस बात से डर कर वह घर मालिक से अपने पैसे वापस मांगती है पर घर मालिक उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। उसी रात उसकी माँ दिखाई देती है जो पहले ही मर चुकी थी। उसी वक्त बॉक्स में से किसी का हाथ निकलते दिखाई देता है और इसी के साथ एम्बर झटके से उठ जाती है। सुबह जब वह काम पे जाती है तो उसका मालिक उसे सिलाई के काम से हटाकर पैकिंग के काम पर रखता है। उसी वक्त एक तितली आती है और वह किसी साये का रूप लेकर एम्बर के कंधों पर रखती है जिससे एम्बर पूरी तरह से सहम जाती है। काम से लौटने पर जब एम्बर घर आती है तो वह एक आदमी को देखती है पर वह उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। अपने रूम में जाने से पहले उसे कुछ लड़कियों की आवाज़ आती है तो वह उन्हें देखने के लिए जाती है। वहाँ सही में दो लड़कियाँ होती हैं, उनसे उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी वक्त घर का मालिक वहाँ आ जाता है और सभी को अपने रूम में भेज देता है। एम्बर के पूछने पर कि वह आदमी कौन था तो मालिक उसे अपना भाई बताता है। जब वह नहा रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वह बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वह उस घर से जाने के बारे में सोचने लगती है तो उसका मालिक उसे पैसे सुबह देने का बोल कर रोक लेता है पर कई सारे आत्माएं उसे डरा कर भागने पर मजबूर कर देती है। अंत में वह सभी से हार कर चली जाती है लेकिन घर का मालिक उसे भला फुसला कर वापस ले आता है और उसका भाई उसे बाकी लड़कियों के साथ एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ उन्हें कई सारी लड़कियों की आत्माएं दिखाई देती हैं। जैसे ही रात होती है घर मालिक का भाई एक लड़की को उठाकर उसे बॉक्स के पास ले जाता है। कुछ देर बाद वह एम्बर को भी ले जाता है और उसे बॉक्स के सामने बांधकर चला जाता है। तभी बॉक्स में से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और उसी के साथ एम्बर सपनों की दुनिया में चली जाती है जहाँ वह अपनी माँ से बातें कर रही होती है। जैसे जैसे वह क्रिएचर उसके सामने आने लगता है सपनों में उसकी माँ उसे गला दबाने लगती है पर वह उससे लड़कर अपनी माँ को ही सपनों में मार देती है। इस वजह से बाहर वह क्रिएचर भी उसे छोड़कर वापस बॉक्स में चला जाता है। एम्बर वहाँ से निकलकर सबसे पहले घर मालिक को मारती है। इसके बाद वह उसके भाई को मारने जाती है कि उन दोनों में मुठभेड़ हो जाता है पर किसी तरह एम्बर उसे भी मारने में कामयाब हो जाती है। जब वह वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि घर मालिक नहीं मरा है तो वह उसे उसी तरह मारती है जैसे उसने सभी को मारा था उसे उस क्रिएचर के हवाले कर। अंत में हमें दिखाया जाता है कि एम्बर का पैर और घाव अपने आप ठीक हो जाता है और हम सभी को पता चलता है कि अब एम्बर भी उस क्रिएचर के वश में हो चुकी है।
आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।